वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टेस्ट। मैं पूजा राव आज आ गई हूँ आपको देवरानी जेठानी की बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में बात कराने के। क्या ये जो यूट्यूब पे हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो सही देख रहे हैं या गलत, या व्यू के लिए सब कुछ ड्रामाबाजी हो रहा है? तो चलिए इसी मैटर पर बात करते हैं। तो जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कामनी सुमित सिंह ऑफिशियल के बारे में और निकी सुमित सिंह के बारे में। तो जो लोग भी ना, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसके पहले मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें निकी के मम्मी और सुमित की तारीफ की थी। तो उसमें ना किसी ने कमेंट्स किया था, वो कामनी जी की सपोर्टर हैं और उन्होंने बहुत बार मेरे वीडियो में कमेंट किया है, कभी कामनी जी को लेकर किया है, कभी निकी को लेकर। तो उन्होंने ना मुझे कमेंट करके ये बोला कि आपकी ना घूम फिर के ना आप निकी पे आ जाते हो, निकी की तारीफ करते हो, तो आपकी बातें निकी की ही तारीफ पे होती है। तो निकी ना तारीफ के काबिल है, तो उसका इंसान तारीफ ही करेगा। और जब दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते हो रहे ना, तो आपने शायद उनके ब्लॉग ना आप लोग स्किप करके देखते हो। हम लोग ना रिएक्शन बनाते हैं, तो उन लोगों का वीडियो ना हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। तो गाइस आज हम लोग ना ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आज हम देवरानी जेठानी के ऐसे ऐसे मैटर को क्लियर करने वाले हैं जहाँ आपको पता चल जाएगा कि देवरानी जी गलत है कि जेठानी जी गलत है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ व्यू के लिए ही हो रहा है और डॉलर छापने के लिए हो रहा है। तो चलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा और डॉलर के पीछे इंसान क्या क्या नहीं करता है तो सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। कि जब व्यू कम हो जाए ना, तो थोड़ा कंट्रोवर्सी कर लो, और जिनको कंट्रोवर्सी से पैसे नहीं आते तो दोस्ती कर लो, तो बस यही कमाल है। तो चलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप भी वैसे ही कमेंट करेंगे इधर का उधर उधर का उधर। निकी के बारे में सुनेंगे तो कामनी की बुराई, कामनी की सुनेंगे तो निकी की बुराई, तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको रियलिटी पता चलेगी। तो जी हाँ गाइस, आप लोगों, मैं इनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपको पता होना चाहिए कि बहुत पहले कामनी जी ने और उनके हस्बैंड ने ये क्लियर कर ही दिया था कि हमने ना सारे ये जो भी रिश्ते बनने क्यों हैं, ये सारे हम लोगों ने अपने छोटों के ऊपर छोड़ दिया है, यानी निकी सुमित सिंह और उनके पति के ऊपर छोड़ दिया था। अगर वो दोनों चाहे ना, तो ये सारे कामनी जी के मायके वाले से एक बार माफ़ी मांग लेंगे, ये उनके घर चले जाएंगे, माफ़ी मांगे ना मांगे, मतलब अपने तरफ से उनके घर चले जाएंगे, तो इनके रिश्ते में प्यार आ जाएगा। तो जो चीज़ कैमरे पर नहीं दिखाया गया है, इंसान अनुमान लगाता, क्योंकि मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ तो मुझे इनके बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कामनी जी तो ठीक ही थी, सब कुछ तो उनके मायके से उनका रिश्ता ठीक ही था, तो कहीं ना कहीं इनके देवरानी जी और उनके देवर जी का एक ना बॉन्ड है, एक उन दोनों ने कुछ तो आगे कदम बढ़ा के अच्छा किया होगा, जो आप YouTube पर नहीं इतने अच्छे अच्छे देख रहे हो। और आज सुमित का और कामनी जी का एक रील देखा होगा, जब कामनी जी ऐसे मुंह छुपा के गई है, कितना प्यारा वो रील लग रहा है ना। और इस फैमिली के जो बॉन्डिंग अभी दिख रहा है ना, टचूट में बोल रही, इसको ना नजर ना लगे इतना, लेकिन प्यारा ना आप लोग मत दिखाइए, कहीं फिर ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और YouTube पर पूरा जब भी आप इनके ब्लॉग खोलिए ना, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और कामनी जी की वीडियो में भी आएगी और निकी के भी वीडियो में आएगी। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं दोनों के बारे में ही बोल रही हूँ, तो दोनों अपने तरफ से ना पॉजिटिव कोशिश कर रही है, पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, कि थोड़ा सा देखिए एक ना कोई भी, मैं ना शुरू से एक चीज़ जानती हूँ, मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने ये बात बोला था जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मेरी फ्रेंड ने ये बात बोला था, और इस बात को ना मैं अपने दिमाग में ना मैं बैठा चुकी हूँ कि देखो, जब किसी भी रिश्ते को चलाने हो ना, तो एक को थोड़ा झुकना पड़ता है, जब एक थोड़ा झुकता है ना, तभी जाकर दोनों ना रिश्ते चलते हैं। अगर दोनों हो जाएं कि हम प्रिंस, एक बोतल पानी दो ना बेटा, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि मैं अच्छी, वो सोचती है मैं अच्छी, तो रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए ना कभी भी रिश्ते को चलाने के लिए ना दोनों तरफ से आगे बढ़ना पड़ता है, दोनों को ना एक को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर ना ये रिश्ते अच्छे होते हैं। तो गाइस अभी रात 12 बज रहे हैं और अभी मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि आज मैं गई थी काली पूजा घूमने के लिए। देखिए मुझे ना कहीं घूमने फिरने का मन नहीं करता, मैं थोड़ा अलग टाइप की हूँ, मुझे घर में रहना ज़्यादा पसंद है, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया ना कि मुझे चाहते हुए भी और नहीं चाहते हुए भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना बाहर निकलना पड़ता है, कभी खुद के लिए मार्केट करने के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए, और कभी बेटे के लिए। देखिएगा, सभी लोग अगर बाहर घूमने जा रहे हैं और मेरा बेटा नहीं जाएगा, तो उसको क्या पता चलेगा फेस्टिवल कैसा होता। तो मुझे ना अपने बेटे को लेकर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पापा तो जा नहीं सकते हैं, आप सबको पता ही है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो वो तो नहीं जा सकते हैं। तो मैं अकेले एज औरत ना, मतलब एक माँ होने के नाते मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे को ना जिंदगी की हर एक खुशी, उसके पापा ने उसके लिए सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ ऐसा कुछ खराब है, उसके पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बस मुझे उसको ना समेट के रखना है, उसको ना सही से बस उनके बिजनेस को ग्रो कराना है। तो मैं वही काम करती हूँ, बैक सपोर्ट का काम करती हूँ, मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड हैं
और बच्चे के लिए ना, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मैं ही कर सकती हूँ, उसके पापा नहीं कर सकते हैं, तो मैं वो चीज़ करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिएगा कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मेरे बेटे के साथ उसके पापा और मेरे साथ मेरे हस्बैंड हमेशा बने रहे। तो चलिए और आगे ब्लॉग में बनते हैं। तो गाइस दोनों देवरानी जेठानी ना ये बिहार से ही है और इनको लेकर ना बहुत सारे ट्रोलिंग हुई थी क्योंकि कुछ दिन पहले इन दोनों में ना कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन अभी अगर आप इनके रिश्ते को देखोगे ना, कामनी और सुमित का जो एक रिश्ता है ना, एक अलग ही बॉन्ड है। दोनों जब सामने आते हैं दोनों ना, तो एक अलग देवर भाभी का जो रिश्ता होता है ना, रिस्पेक्ट वाला, प्यार वाला, जब वो हैप्पी दिवाली विश कर रहे थे, कितना पॉजिटिव वाइब्स ना, इतना उस वीडियो को देख कर एक अलग सा ही दुनिया में मैं चली गई थी। और मैं बोलने के समय भी मुझे वही चीज़ याद आ रहा है। तो कामनी जी ने आस्ते आस्ते करके ना अपनी फैमिली को गुछाते गुछाते, मतलब क्या बोलते, गुछाने के आस्ते आस्ते करके, आस्ते आस्ते करके ना इस चीज़ को यहाँ पे उस मुकाम पर ला दिया कि आज दोनों फैमिली एक हो गए हैं और आप देख ही रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं। इनका व्यू भी बढ़ा है, इनका मतलब पॉजिटिविटी भी बढ़ा है। कुछ लोग जो कामनी को निगेटिव बोलते थे वो लोग भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, और जो निक्की को निगेटिव बोलते थे वो अभी तो इस वीडियो से कोई माने या ना माने। देखिए मैं कामनी जी के सपोर्ट में बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ, लेकिन मैं एक आपसे रियलिटी बोलना चाहती हूँ। इस ये जो वीडियो आप पॉजिटिव टीवी का देखे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं निक्की का ना एक अलग चेहरा, उनके वीडियो की वजह से ही ना निक्की का एक पहचान निकल गया है कि निक्की एक अच्छी लड़की है, निक्की पॉजिटिव वाइब्स बिखेरती है, और निक्की ना अपने फैमिली के लेकर, आजकल की इतनी बड़ी यूट्यूबर, इतने पैसे होने के बाद से कौन किसको फर्क पड़ता है, जाओ ना भाई गुस्सा रहो तुम्हारी मर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया पर ना डॉलर के लिए, व्यू के लिए सब कुछ होता है। तो देखिए अगर आप लोग ये बोल रहे हैं ना कि अगर निक्की या कामनी डॉलर या व्यू के लिए दोनों एक हो गई हैं, दोनों सही हो रही हैं, तो अगर पैसे के लिए ही सही, दोनों सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे का चूल नोच नहीं रही हैं, अगर दोनों में प्यार दिखा रही हैं, प्यार दिखा के आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और मैं तो कहूँगी कि ऐसे ही आगे बढ़ती रहें दोनों देवरानी जेठानी ना, प्यार बिखेरती रहें। अभी उनकी जो, आपको पता है गाइस, जो माँ बाप होते हैं ना, मैं दूसरे भी एक ब्लॉगर हैं आप देख रहे हैं, उनके भी दो बेटे दो बहुएँ हैं, उनकी घर की कहानी तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, और हमारे साइड के हो चाहे किसी भी साइड के हो, जो अपने बच्चों में प्यार देखते हैं ना, अपने बच्चों की खुशी देखते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए, देखिए पैसा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमा लेता है, क्योंकि आज की दुनिया में ना मुझे लगता है ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, सबसे पहले की दुनिया के लोग बोलते थे लोग बेवकूफ़ बनते थे, नहीं आज की दुनिया में ना लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुझे लगता है ज़्यादा ईजी है। लोग जो भी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंसर, सामने वाले उसको देख कर इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, और बस उसके बाद से लोगों को तो बेवकूफ़ बनना ही है। लेकिन जो आजकल जो मम्मी पापा है ना, वो बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं, और उनका आप पता नहीं इस चीज़ को विश्वास करेंगे कि नहीं। देखिए भगवान, मौत और जिंदगी ऊपर वालों के हाथ में है, लेकिन जब अपनों में प्यार देखते हैं, बच्चों में प्यार देखते हैं, उनकी तरक्की देखते हैं, एक साथ सोचिए निक्की सुमित की मम्मी के बारे में आप, मतलब मम्मी उनकी मम्मी नहीं, उनकी सासू माँ के बारे में, उनका दिल ना कितना खिल गया होगा जब दोनों बेटे बहू को एक साथ देख रही हूँ। आप कल्पना कीजिएगा, इस बार आपने देखा होगा, मैं छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, जब निक्की ना अपने ससुर का पैर छूने जाती है, तो कभी भी मैंने नहीं देखा ये रूप, आपने देखा है तो कमेंट करके बताइएगा कि उनके ससुर ना निक्की के सर पे ना किस करते हैं, मतलब एक छोटा सा चुम्मा देते हैं, और मतलब उसको प्यारा सा बोलते हैं ना सर के ऊपर, और उसको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा मैंने कभी उसके पापा को करते हुए नहीं देखा। तो जब दोनों बेटे में ना बहुओं में इतना मेल मिलाप जब ये देखते हैं ना, तो माँ बाप का ना थोड़ा सा उम्र जो है ना वो बढ़ जाता है, उनका तबीयत जो खराब भी होता है ना कुछ परसेंट ठीक हो जाता है आप लोग इससे। और जो माँ बाप दोनों अपने बच्चों को लड़ते हुए बच्चों की वजह से दुखी देखते हैं, तो आप एक माँ पापा को देख सकते हैं दूसरे चैनल पर जो सचिन राज के पापा हैं, उनका तबीयत ना बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं आपने देखे, बेटे और बहुओं की वजह से उनका तबीयत अभी खराब हो रह गया है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, बेचारा बाइक नहीं चलाने पा रहे हैं, और जबकि वो देखने में कितने हट्टे कट्टे भी सही थे, अचानक से उनके हेल्थ में ऐसा इश्यू हुआ है। तो देखते हैं भगवान करे कि ठीक हो जाए, सब कोई ठीक हो जाए, किसी के संग कुछ ना हो, इंसान तो यही प्रे कर सकता है। और दोनों देवरानी जेठानी में ना एक चीज़ और आपको, आज वो दिवाली जब सेलिब्रेट कर रही थी इतनी अच्छी लगती है ना, और निक्की थोड़ा चुलबुली टाइप की है। और आपको एक चीज़ मैंने इस बार देखा, जब ना निक्की के मतलब कामनी जी के मायके वाले आए थे ना, तो निक्की भी सामने फ्रंट में थी, उनका वेलकम कर रही थी उन, ताकि उनको स्पेशल फील हो, चाहती तो नहीं भी जाती,
क्या हो जाता, नहीं जाती तो कोई उसको जबरदस्ती टान के तो लेके नहीं जाता, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर इतने बड़े ब्लेम थे, लेकिन फिर भी वो अपने से फ्रंट पेज पे थी। और आज मैंने देखा जब निकी के पापा आए थे ना, तो कामनी जी भी उनके पैर छुई, उनको गले मिली, तो एक अलग से रिस्पेक्ट दिखा इससे ना दोनों उनको। देखिए निकी और कामिनी दोनों के जो फैमिली है ना, माँ पापा की फैमिली, वो दोनों बिल्कुल अलग फैमिली है, क्योंकि जो कामिनी के घर वाले हैं ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, उनको क्या बोला जाए। लेकिन आप देखेंगे निकी, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम, ऐसा भी हो सकता है बहुत दिन बाद आए थे, तो इस फैमिली में ना उनको मिलने में टाइम लगता है। और निकी के जो मम्मी पापा हैं अभी भी अपने संधि संदन को भैया भाभी बोलते हैं, अभी भी मैंने देखा है संधि संदन के पैर छूते हुए, तो ये सब ना बहुत अच्छा लगता है। और उसके पापा मम्मी देखे कुछ गिर रहा था ना, धनवी खा रही थी, कुछ गिर गया, तो वहाँ ईगो नहीं है निकी के मम्मी पापा के अंदर, मैंने ये चीज़ देखा, उनकी ईगो नहीं है, देखिए हम क्यों उठाए भाई, नतनी उनकी है, गिर गया तो उठा दिए, बहुत लोग रहते थे यहाँ पे शर्म फील करते, लेकिन अच्छा लगा। निकी ना चुलबुली टाइप की है, उसके मम्मी पापा को भी ना, उसकी मम्मी भी आई थी, उसने मैंने देखा पूड़ियाँ बना रही थी, जो बने और धन आ जाती है तो धनवी को तो वही पकड़ के रखती है। तो दोनों देवरानी जेठानी ना यूट्यूब पे मतलब तबाही पर तबाही मचाई हुई है, इसका मतलब ये है कि दोनों ने लोगों के दिल जीत लिया है। और दोनों ने अभी ये कर दिखाया है कि हाँ एक फैमिली में झगड़ा भी होता है, और मैं बोलती हूँ, मैं शुरू से बोलती हूँ कि एक फैमिली में झगड़ा होता है ना तो लड़ाई भी होती है, तो प्यार भी होता है, प्यार जहाँ होता है वहाँ कभी तू तू कभी मैं, दो बर्तन एक जगह रहेंगे ना तो कभी टकरा ही जाते हैं। हो सकता है कि मतलब जान बूझ के ना टकराया, बर्तन धो के रखे हैं तो कभी गिर जाते हैं तभी टकरा जाते हैं, और आवाज़ तो होती ही है। लेकिन दोनों ने ये दिखाया है कि एक कच्चे धागे में ना, लोग आपने सुना होगा कि जब कोई धागा टूट जाता है तो उसमें बांधने से ना वहाँ जोड़ पड़ जाती है, लेकिन इन्होंने दिखाया क्या है गाइस, उस जोड़ के ऊपर भी ना आप दिल थोड़ा मोटे हो जाओ, जोड़ के बाहर चले जाओगे और फैमिली में प्यार रहेगा। तो रिश्तों में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होती है, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो तो हम ना रिश्ते को अच्छे कर सकते हैं, हम रिश्ते में प्यार ला सकते हैं। और दोनों जेठानी देवरानी ने ना यूट्यूब पे पॉजिटिविटी फैला रही हैं, दोनों का वीडियो देख के अच्छा लग रहा है। तो आप लोग किसको पसंद करते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ एक सवाल आप सबके लिए, पहले आप ज़्यादा निकी को पसंद करते थे कि कामनी जी को पसंद करते थे, और अभी जो दोनों एक हो गई हैं तो आप ज़्यादा किसके वजह से किसको पसंद करने लगे हो, ये कमेंट ज़रूर करके बताना। और आपको कैसा, और दिवाली लुक तो आप लोगों ने देखा, दोनों देवरानी जेठानी जी बिल्कुल जेठानी जैसी रहती हैं, थोड़ा सीरियस मूड में, और देवरानी जी बिल्कुल देवरानी जैसी रहती हैं, चुलबुली सी, उनको जहाँ रहना है चुलबुल चुलबुल हलचुल चुलचुल, मतलब उनको कुछ ना कुछ करते ही रहना है। लेकिन दोनों बहुओं से किसी को ना सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दोनों इतनी ज़्यादा काम कैसे कर लेती है मेरे को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन काम के मामले में, और मैं अभी भी बोलूँगी वीडियो के एडिट करने के मामले में, मैंने कुछ दिन पहले निगेटिव वे में भी बोला है या पॉजिटिव वे में भी बोला है कि निकी की वीडियो एडिट वगैरह करने में ना ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि उसके हस्बैंड भी, बाप रे बाप, मैं तो सोचती थी अभी तो उसके हस्बैंड झाड़ू पोछा बिस्तर ठीक भाभी के संग बर्तन धोना क्या काम नहीं करते हैं वो, सुमित जी मैं तो यही सोचती हूँ, ये निकी कभी एक अब किसी दिन ये पूरी भी बनाते हुए मैंने देख लिया है, अब पता नहीं किसी दिन कपड़ा धोते हुए भी मत दिखा देना। तो सुमित जी का भी रूप अच्छा लगता है कि अच्छे लगते हैं सेंसिटिव, सारे लोग की फैमिली के ना उनको मैंने देखा है, अपनी माँ को भी हेल्प करते हैं, अपनी भाभी को भी हेल्प करते हैं, और अपनी बीवी की भी हेल्प करते हैं। तो ऐसे आज के ज़माने में ना लड़के होने बहुत मुश्किल हैं जो हैं, तो चलो निकी तुम प्राउड फील करो कि तुम्हारे पास ना इतने अच्छे हस्बैंड हैं, और अजीत भी अलग हैं, दोनों अलग अलग लेवल पे हैं, दोनों की अपनी मैच्योरिटी। देखिए अजीत भैया आप बातें सुनिएगा ना, बहुत सिंसियर टाइप की बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुमित को नॉलेज नहीं है, वो भी अलग है, जो बड़े हैं बड़े जैसे हैं, छोटे हैं छोटे जैसे हैं, तो बस दोनों में कोई कंपेयर मत कीजिए, दोनों की ना तुलना मत कीजिए, अपनी जगह पे ये भी बेस्ट है, अपने जगह पे ये भी बेस्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा, रोस्ट वीडियो अच्छा लगा कि मैं इन फैमिली पे कैसा रिएक्शन की, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग को, मेरे रोस्टिंग वीडियो को, मेरे रिएक्शन वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स या पूजा राव को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पर आपको ये सब वीडियो देखने को मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।